हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप? तो भाई एक बार फिर से स्वागत है। और अभी शाम के बजने वाले हैं 7 और अभी हम जा रहे हैं, आज आमंत्रण है, निमंत्रण है एक जगह माता रानी के जागरण का। तो माँ भगवती के चरणों में हाजिरी लगाने जा रहे हैं विद फैमिली, और विद पूरी फैमिली नहीं है, थोड़ी फैमिली है, बच्चे नहीं जाएंगे और हम 6 या 7 जने हैं। माँ हैं, ये है बबली, और जी अमित है, गगन है, बड़े भाई हैं, और एक पड़ोसी है, एक 8 जना हो रहा है। तो बस ये पर्सन जाएंगे यहाँ से, तो फिलहाल रेडी हैं हम। और जागरण में जो है तिलक रस्म में जो है हमें निमंत्रण मिला था कि तिलक रस्म में आपको शामिल होना है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी जा रहे हैं। तो सब रेडी हैं फिलहाल, ये भी मैं भी, 1-8 जना रह रहा है। जब तक मैं गड्डी निकाल के लाऊंगा तब तक सारे जने रेडी हो जाएंगे। और आज मैं ना इनके कहने से पहले तैयार हुई एकदम, टाइम से पहले तैयार हूँ। जो दिया था 7:30 का, इन्होंने 7:30 का टाइम दिया था, लेकिन मैं 6:30 बजे से अपनी पूरी तैयारी में थी। तो चलो मैं गड्डी निकाल के ले आऊं, सब जने रेडी हो गए हैं। अभी प्रीति कर रही है खाना बनाने की तैयारी। उसने कई बार बच्चों से पूछ लिया कि खाने में क्या बनेगा, लेकिन बच्चे जो है वो डिसाइड करके बता नहीं पा रहे। मैंने कहा अपनी मर्जी से ही बना के दे देना जो भी कुछ बनाना। तो इधर माँ भी रेडी है, और माँ की साड़ी काफ़ी अच्छी लग रही। तो कई दिन पहले निमंत्रण पत्र हमारे पास पहुँच गया था, और बच्चे ना हमारे सारे अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे, इनके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले, इसलिए ये कल जाएंगे वाणिका के बर्थडे में, आज नहीं जाएंगे। गाइस गाड़ी हमारी आ चुकी है, और अपनी ज़रूरत का सारा सामान उठा लेते हैं, कैमरा, माइक, फ़ोन, सब चीज़ें उठा लिया है। ये देखो, चलो चलते हैं, चलो रुक जाओ। तो हम लोग कर रहे थे अमित और गगन की इंतजारी, अभी जाएंगे ना हमारी साथ में। तो अमित ना जैकेट पहन के आया, तो नु कह रहे उसके चाचा जी, उन्होंने अरे भजन भोजन का हो गया, पहले गाना कभी कोई माइक देता मुझे कौन से सिंगर आ गए और आए सही ऐसी ड्रेस पहन लिया तू तो बिल्कुल। मन्ना तेरे चाचा जी का था कुर्ता पजामा पहन लो, इन कह रहे ना मैं तो पहनता नहीं। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं गांव नीमखेड़ी में, जहां से हमें इनविटेशन मिला है जागरण में से। तो बाकी सब आगे आ गए हैं, जल्दबाजी में है सब है। नमस्ते जी। गाइस पहुंच चुके हैं फतेहपुर खेड़ी नीमखेड़ी, और भैया इनविटेशन देने गए थे, आपने पहले भी देखा होगा, और भैया हैं तो इन्होंने सब चीज़ यहाँ पर रेडी कर रखी है एकदम। और हम भी बिल्कुल समय से पहुँच गए यहाँ पे, और देखो कई जगह से, मतलब बहुत सारी जगह से लोग आते हैं, तो थोड़ा लेट लतीफ़ तो हो ही जाता है। अभी बस थोड़ी देर में जो है यहाँ पे जो रस्में हैं वो शुरू होंगी, तो जब तक हम वहाँ पे घूमें हैं तब तक हम देख के आएंगे भाई दरबार में हैं। वाह जी, तो और सब तैयारियाँ बढ़िया चल रही हैं। चलो जी, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, साइड में ही खड़ी है जी। थे पुराना, और वे कह लगे तू आज तो वे आए नहीं, छुट्टी पे हैं, 14 दिन में छुट्टी हूँ। हाँ मिलता रहूँ वहाँ, क्या नाम सामने भी जाऊँ, कोई बात नहीं, किसी दिन फुगाना भी आई। हाँ फुगाना भी आऊँगा। समय से बिल्कुल पहुँच चुके हैं, और यहाँ की रस्में जो है वो शुरू होने वाली है। गाइस माता रानी का पूरा दरबार सजा हुआ है, लाइटिंग वाइटिंग सिस्टम सब, और देखो कितना भव्य दरबार है माँ भगवती का। और यहाँ पे जो है हम सब हाजिरी लगाने आए हैं माता रानी के दरबार में। दीपक रस्म सबसे पहले होनी है, तो उसके लिए तैयारियाँ चल रही हैं, तो सब यहाँ पे निहार रहे हैं माता रानी के दरबार को। सभी देवी देवता भगवान यहाँ पर विराजमान हैं, और ये जो है कमेटी का बहुत ही अच्छा प्रयास और बहुत ही सुंदर कार्य है।
सच्चे दरबार की। हमारे अध्यक्ष जी आदरणीय श्री कुलदीप सैनी जी मंच पर पधार चुके हैं, मैं उनका अपनी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तूने ऐसी मौज लगाई ओ अंबे माई, करा दी मेरी बल्ले बल्ले। तूने ऐसी मौज लगाई ओ अंबे माई, करा दी मेरी बल्ले बल्ले। Oh,
अभी बज गए हैं 2 फिलहाल, और ज़्यादातर जो जागरण के सिंगर हैं, कलाकार हैं जो आए हैं, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दे दी है, और अब हो गया है घर चलने का टाइम, और हमें कल भी कहीं जाना है, तो इसलिए 2 बज गए हैं और अब हम चलने की तैयारी कर रहे हैं। इधर माता रानी का जागरण अभी जारी है और भक्तगणों की संख्या भी खूब है यहाँ पे, अभी उपस्थिति बहुत।